हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति राजपूत ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है तो बस अभी जस्ट अभी उठी हूँ, फ्रेशन अप होके चाय पानी पी के बस लग गई हूँ अपने काम के। और सबसे पहले ये कमरा है एक बच्चों का, उसको मैं सेट कर रही हूँ, चादर वगैरह। सबसे पहले तो जो बुक्स वगैरह बच्चों का ये है कि अब स्कूल ऑफ हैं, पेपर्स मतलब एग्ज़ाम वगैरह हो चुके हैं तो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बस बच्चों का ये है। बुक्स वगैरह सारी जगह बुक्स फैला रखी हैं, और न्यू बुक्स लानी तो पुराने बुक्स जो ऐसे कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं क्योंकि उनका यूज़ नहीं है इसलिए। और ये कहीं भी रख देते हैं बुक को। अब मेरे सर दर्द ही होती है क्योंकि हम जगह जगह बुक फैला देते हैं और मुझे उठा के रखना होता है इनको। बस बच्चों का यही काम है, एक कमरा ठीक करके जाते हैं, दूसरा कमरा फैला देते हैं इतनी देर में, बस यही चलता रहता है। कोई नहीं, चलो मूव करते हैं। और इसके बाद मेरी चादर मैंने झड़का दी है और इसी को बिछा दूँगी, और इसके बाद अच्छे से सेट कर देंगे, तकिए वकिए लगा के अच्छे से सेट कर देंगे इसको। और थोड़ी देर में बच्चे फिर इसको भी ऐसा ही कर देंगे, फैला देंगे। बच्चों का क्या है, बस ये है, बड़ों का काम है संग अच्छे से साफ़ सुथरा करना, बच्चों का काम है फैलाना, बस यही चलता रहता है। वो लोग फैला देते हैं, मैं साफ़ करती रहती हूँ इसको। वैसे इतने छोटे बच्चे हैं नहीं, फिर भी इतना फैला देते हैं घर को, क्या कर सकते हैं। मतलब हर टाइम इनको बोल भी नहीं सकते, इनको मार भी नहीं सकते, बच्चे हैं समझते नहीं हैं इतना, तो क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, करना काम करना अपना, करते रहते हैं काम। और बस धीरे धीरे नंबर वाइज करती रहूँगी मैं अपना काम, जल्दी जल्दी ऐसे करके निपटा लेती हूँ अपना काम। और ये देखिए बक्सा है, इसकी क्या शक्ल कर रखी है, बच्चों ने क्या हालत कर रखी, सारा सब कुछ बिखेर रखा है, कहीं बैग पड़ा है, कहीं बुक्स पड़ी, कहीं उनके खिलौने वगैरह कुछ भी, मतलब ऐसे ही फेंक देते हैं ये। तो अब मैं इनकी बुक सेट करके फिर इनके सारे बैग वगैरह साइड में रख के, इनका सामान सारा साइड में रख के फिर उसको साफ़ करूँगी अच्छा से, क्योंकि इन बच्चों को फैला हुआ अच्छा लगता है, तो हमें फैला हुआ अच्छा लगता नहीं है, इसलिए हमें करना पड़ेगा इसका। और मेरा रोज का ये काम है, रात को बिल्कुल फैला के छोड़ देंगे इसको सारा, मतलब हर कमरा के फैला देंगे। सुबह मुझे करना पड़ता है सर दर्दी, मतलब हेडेक हो जाता है मुझे तो देख के इसको, ले भाई इतना सारा काम फैला पड़ा है, करना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और बस मैंने ये भी संगवा दिया है, अच्छे से साफ़ कर दिया, सेट कर दिया, एक साइड बैग कर दी है, और जो बुक्स वगैरह पड़ी थी वो भी सेट कर दी है, इनकी जो पानी की बोतल थी वो भी सेट कर दी है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, किचन भी थोड़ी फैली हुई थी क्योंकि चाय पानी पिया था, नाश्ता वगैरह किया था, तो वो भी फैली हुई है। और एक तरफ दूध लगा हुआ है, दूध को मशीन लगा रखी है लस्सी के लिए, बिलोने के लिए वो लगा रखी है। और थोड़ा बहुत जो सामान फैल जाता है क्योंकि भैंस वाला घर है हमारे, भैंस से काफ़ी है तो उनका काम होता है, जैसे कि लस्सी भी दूध वगैरह घी वगैरह उनका आटा वाटा हो जाता है, तो बाल्टी वगैरह रखी होती है दूध की, तो बस इनकी वजह से किचन थोड़ी ज़्यादा फैल जाती है मेरी, फिर ये साफ़ करना पड़ता है साथ के साथ। और दूध वगैरह जो डालना पड़ता है, जो लेने आते हैं उनके भी डालना पड़ता है, और घर के लिए भी डाल के रखते हैं, तो बस थोड़ा सा किचन जो मैसी हो जाती है मेरी ज़्यादा। और रात कल ही हमारे यहाँ आलू लेके आए थे, काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको, आपको आप नीचे प्लेटफॉर्म के नीचे दिख रहा होगा, आपको बहुत सारे आलू लेके आए थे, तो मैंने एक बड़ा सा टोकरा था उसके अंदर डाल दिए थे, पन्नी में भी रखे हैं, और जो हमारे दो सब्जी के बास्केट है उनमें भी मैंने डाल दिए थे, आलू काफ़ी थे इसलिए आए नहीं, तो फिर मैंने थोड़ा पन्नी में डाल दिए थे। और बस जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर लेंगे इसकी, और इसके बाद फिर घी निकालेंगे, और ये कुछ बर्तन हैं तो इनको भी साफ़ कर देंगे साथ ही साथ। और मेरी किचन का जो मतलब विंडो है वो बिल्कुल फ्रंट पे है, तो मैं सोच रही कितने अच्छे सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं, मतलब एकदम ब्राइट रोशनी आ रही है इसके अंदर से। और जैसे बोलते हैं ना वास्तु शास्त्र के हिसाब से, मतलब किचन बनाई गई है हमारे यहाँ पे, तो सीधा जो सूर्य देवता निकलता है उनकी किरणें सीधा डायरेक्ट हमारे किचन में आके आती हैं, और वो अच्छा होता है किचन में आना, सूर्य देवता की किरणें बहुत अच्छा होता है। और बस थोड़े से बर्तन थे जो हमने चाय पानी पिया था, उसको साफ़ कर दूँगी मैं साथ के साथ, फिर बाद में खाना बनेगा तो फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, इसलिए बस जितने बर्तन होते हैं एक दो कितने बर्तन होते हो साथ के साथ करते रहो, तो फिर ज़्यादा काम नहीं फैलता है और आप लोग थकते भी नहीं हो, तो बस ये कर देती हूँ मैं। और इसके बाद फिर और काम करते रहेंगे एक के साथ, मतलब एक के बाद ऐसे ऐसे काम करके अपना निपटा लेती हूँ मैं, रोज़ का बस यही काम हो जाता है, और जल्दी जल्दी करना पड़ता है सारा काम।
बस हो गए मेरे बर्तन भी, और इसके बाद फिर करते हैं आगे का काम प्रोसेस। बस यही है जो काम दिख रहा है उसको जल्दी से साथ की साथ करके रख दो। करके रख देती हूँ मैं, थोड़ा होता है थोड़ा, ज़्यादा होता ज़्यादा, तो फिर बाद में वो थोड़ा थोड़ा के चक्कर में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ज़्यादा हेडेक हो जाती है, हम ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है मुझे, तो बस इसलिए जल्दी जल्दी कर देती हूँ। और साथ के साथ जो किचन सिंक है वो भी साफ़ कर दूँगी साथ के साथ, ज़्यादा मैसी नहीं होगा बाद में। और बस ये किचन बर्तन मेरे सारे साफ़ हो चुके हैं, और जो किचन सिंक है वो भी मैं धुल दूँगी अच्छे से, साफ़ हो जाएगा वो भी। और बस बर्तन भी साफ़ हो गए, किचन भी साफ़ हो गया मेरा, बस यही काम रहता है मेरा सुबह का। और बस इसके बाद फिर मुझे जाना था भैंसों की तरफ उनको पानी पिलाने के लिए। और ये देखिए मैं आ चुकी हूँ, इनको पानी पिलाएंगे। बस सानी वगैरह इनके डाल दी थी सुबह में ही, तो बस इनको पानी पिलाना होता है मुझे, मेरा यही काम होता है पानी पिलाना होता है। पानी पिला के फिर आगे का काम कर देंगे। चलिए फिर, और ये है मेरा दूसरा रूम जिसकी मुझे अभी डस्टिंग करनी है, साफ़ करना है इसको, ये भी काफ़ी फैला हुआ है और इसमें थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, लाइट बहुत कम है। और एक मॉर्निंग का टाइम है तो अंधेरा था, काफ़ी अच्छा अंधेरा था, और तो इसकी वजह से भी थोड़ा दिख रहा है, और इसमें लाइटिंग भी कम है तो इसलिए ऐसा दिखेगा, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, लाइट बहुत कम है इसमें इसमें कमरे में। और बस ये थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको। और जो ब्लैंकेट वगैरह अभी मतलब इतनी रात को ठंड होती है, हल्की हल्की जो ब्लैंकेट हम ओढ़ सकते हैं, जैसे कि कॉटन की चादर होती है ना, वो हम ओढ़ लेते हैं क्योंकि पंखा चलता है, और थोड़ा सा मतलब हल्की हल्की ठंड भी फील होती है रात को, वो तो बस ये हल्की चादर ओढ़ लेते हैं कॉटन वाली। और बस यही काम होता है सुबह सुबह, जो मतलब बिस्तरे वगैरह हैं वो सेट कर दूंगी, और जो फैल जाता है वो सारा इकट्ठा करना पड़ता है, मतलब अच्छे से रख दो उठा के सारा साफ़ सुथरा करके, चादर वदर इनकी तय बनानी होती है, ब्लैंकेट वगैरह होते हैं उनकी तय बनानी होती है, जो फैल जाता है चेयर वगैरह उनको ठीक करना होता है। और ये जो मेरे पास चादर है ये थोड़ी मतलब कॉटन की है, तो ये नीचे बिछा देती हूँ मैं, और इसके ऊपर से दूसरी चादर डाल देती हूँ, मतलब थोड़ा सा कंफर्ट सा भी हो जाता है, और ठीक जब मतलब ये गद्दे वगैरह कहीं मतलब हिलते विलते हिलते नहीं हैं तो अच्छे से सेट हो जाते हैं। इस चादर से एक ही टिप्स होता है कि जो मतलब आपके पास जो मतलब रद्दी वाली चादर है होती है, जैसे कि हाँ ये रिजेक्ट हो चुकी है, आपको मतलब बिछानी नहीं है और फेंकने वाले हो आप, तो उसको आप इसको रीयूज़ कर सकते हो। आप जो चादर होती है आपको बिछानी होती है बेड पे, उससे पहले आप ये उसको बिछा दो अच्छे से, मतलब गद्दा गद्दे भी अच्छे सेट हो जाएंगे और चादर भी आपकी सुखड़ेगी नहीं बार बार में, तो अच्छे से सेट हो जाएगा आपका बिस्तर और अच्छा भी लगेगा। तो देख सकते हैं आप मेरा मतलब हो गया है, मेरी दोनों चादर सेट हो गई है, और आप किसके साथ पिलो सेट कर देंगे अच्छे से, और ये बेड मेरा सेट हो चुका है। और इसके साथ साथ थोड़ी डस्टिंग कर देंगे, जो बेड वगैरह है इसके मतलब ऊपर के रैम वगैरह हैं ये साफ़ कर देंगे कपड़ा लेके, बस यही है। और चेयर वगैरह जो फैल गई थी वो भी उठा के रख देंगे साथ के साथ, और जो भी सामान सारा पड़ा था वो उठा के रख दूंगी। बस यही चलता रहता है, हम लेडीज़ का काम, घर का काम हमारा कभी निपटता नहीं है, कहने को बस बोल देते हैं कि क्या क्या काम है घर का, ये तो काम है, पर ये नहीं है कि घर का काम कितना हो जाता है, कभी करके देखो, करोगे तब पता चलेगा कि यहाँ कितना काम हो जाता है। बस बोल देते हैं, हस्बैंड बोल देता है, कोई भी बोल देता है कि लेडीज़ को क्या काम होता है, कुछ काम नहीं होता, बस घर पर ही तो रहना है, खाना ही तो बनाना होता है, कुछ काम नहीं होता। पर हम लेडीज़ से कोई पूछ के देखिए कि काम कितना होता है, तो हमें लेडीज़ को पता होता है कि यहाँ घर का काम बहुत ज़्यादा होता है, पर वो किसी को दिखाई नहीं देता देता, बस यही होता है। तो लाइट कोई बात नहीं, चलता रहता है ऐसा कुछ। और बस इसके बाद मैं लेके आई हूँ गीला टॉवल, और जो इसके सारे डस्टिंग वगैरह है, जो साथ में कवर्ड वगैरह खड़ी है उनको साफ़ कर दूँगी, और मैंने बेड भी साफ़ कर दिया था साथ के साथ। और अब आगे है ये चारपाई बिछी हुई है मेरे रूम में, और ये चारपाई इसलिए बिछा रखी है क्योंकि जो टीवी वगैरह टीवी देखते हैं बच्चे, तो बेड को ना बहुत मैसी कर देते हैं, और थोड़ा दूर पड़ता है बेड से टीवी, इसलिए मैंने चारपाई डाल रखी है, तो इसी पे हम दिन में इसी पे लेट जाते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं अच्छे से, और क्योंकि टीवी के थोड़ा पास कर लेते हैं इसको, तो अच्छे से टीवी भी दिखाई देता है, बेड तो बहुत दूर है टीवी से,
किसी दिन आपको जो रूम रूम टूर करवाऊँगी, सॉरी हाउस टूर करवाऊँगी, उसमें दिखाऊँगी अच्छे से आपको। बेड थोड़ा दूर है टीवी से तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए चारपाई डाल रखी है। और इस पर थोड़ा गर्मी होगी ना, गद्दों पर थोड़ी गर्मी लगती है दिन के टाइम में, तो रात में क्योंकि धूप रहती है थोड़ा गर्म लगता है ये। और दिन में हम सब लोग बैठ जाते हैं, एक चारपाई ले आते हैं, दो चारपाई हो जाते हैं, तो हम सारे बैठ जाते हैं इन पे, टीवी देखते हैं, और जिसको सोना होता है वो सो जाता है। बस यही है, जो गंदे कपड़े हो सारे मैं इकट्ठे कर दूँगी। ऑल राइट, चलो हम मूव करते हैं। और मैंने अभी दाल बनाई है, बस इसमें तड़का लगाना है मुझे, और मेरा काम सुबह का डन हो जाएगा खाने का, और जो सफाई वगैरह है उसका वो डन हो जाएगा। बस झाड़ू पोछा रह जाएगा मेरा, और नहाना धोना रह जाएगा, वो हो जाएगा, बस ये काम निपट जाएगा सवेरे का। डस्टिंग वगैरह मेरी हो चुकी है, और बस तड़का लगाना है मुझे दाल में, और बस इसके बाद रोटियां वगैरह सेकनी है, और काम मेरा डन हो जाएगा। तो बस मैंने तेल डाल दिया, तेल के अंदर मैंने जीरा डाला, जीरा डालने के बाद मैंने लहसुन डाला है, और उसके बाद डाला है मैंने प्याज। इनको ब्राउन करेंगे, 2 मिनट का वेट देंगे इनको ब्राउन करके, फिर इनमें हम मसाला वगैरह ऐड करेंगे इसमें। और बस मेरा प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी, इसके बाद भुनने के बाद अच्छी सी लाल सी कर लेंगे। और बस दाल कुकर दाल मैंने पहले उबाल के रख दी थी कुकर में, वो अच्छे से डन हो चुकी है। बस जो मैंने जो मसाला बना के है इसमें डालना है, और मेरी दाल डन हो जाएगी। और इसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर इसके अंदर, टमाटर को भी अच्छे से गला लेंगे हम, ताकि अच्छे से गल जाए हमारे। और जो मतलब खड़ा खड़ा टमाटर रहता है मेरे घर पे कोई नहीं खाता, उसको तो अच्छे से गलाना पड़ता है मुझे, तभी खाते हैं, अदरवाइज़ सब निकाल देते हैं हम, खास करके बच्चे। बच्चे बड़े जूझे होते हैं चीज़ें खाने में, आनाकानी करते हैं बहुत ज़्यादा, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हमारा टमाटर तो खाता भी नहीं है कोई, मतलब बच्चे नहीं खाते, निकाल कर रख देते हैं। और इसके बाद डाल दिया मैंने बटर, और हमारे यहाँ पे बटर ज़्यादा खाया जाता है, मतलब कि नूनी घी ज़्यादा खाया जाता है हमारे। और उसमें मैंने मसाला भी ऐड कर दिया था, जैसे गार्लिक पेस्ट डाल दिया था, और जो रेड चिली का पेस्ट था वो डाल दिया था, और धनिया का पेस्ट हमारे मतलब सूखा नहीं खाया जाता, पिसा हुआ खाया जाता है, तो वो डाल दिया था। और उसको बस 2 मिनट तक पकाऊँगी मैं, पकाने के बाद इसको दाल में ऐड कर देंगे हम लोग, और हमारी दाल डन हो जाएगी। और ये देखिए मेरी दाल बिल्कुल डन हो चुकी है, और ये मैंने पहले ही बना के रख ली थी, बस इसको तड़का लगाना बाकी था। तड़का लगाने के बाद मेरी दाल डन हो जाएगी। और ये देखिए जो मतलब मेरा मसाला पक चुका है, क्योंकि साइड से तेल छोड़ दिया है मसाले ने, अच्छे से ऐड हो गया, उसे मैंने मसाला ऐड कर दिया देखने में, तो बस निपट गया था। और